अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और इंशाल्लाह आज जो मैं आपके लिए जो वीडियो बना रहा हूँ वो आपको इंतहाई आपको मतलब अच्छी लगेगी और आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह, क्योंकि आज हम चमकनी के स्टाप पे खड़े हैं और चमकनी के स्टाप से हम सीधा यहाँ से जो मोटरवे का फ्लाईओवर बने हैं, जितने अंडरग्राउंड बने हैं या जो पुल बने स्टेशन बने हैं उन्हीं पे हम सफर करेंगे इंशाल्लाह। तो आपको दिखाएंगे, ये आप देख लें मेरे पीछे यहाँ पे ये है चमकनी स्टेशन, और ये चमकनी स्टेशन के साथ ही अगर आप देख सकते हैं वो ये उसका फ्लाईओवर है जो, तो यहाँ से फिर हमने ये देखे यहाँ से हमने जाना है सीधा ये फ्लाईओवर, यहाँ से स्टार्ट पॉइंट है BRT का, तो यहीं से हम ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह और आपको दिखाएंगे कि जितना काम अभी तक हो गया है वो आप खुद देख लेंगे। ये यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट पे हम जाएंगे। ये यहाँ से बसें मतलब ऊपर यहाँ पे चढ़ेगी, ये स्टार्टिंग पॉइंट होगी, ये देख लें ये यहाँ पे जो गोल चक्कर ये सर्कल बना हुआ है, ये अगर आप देख लें तो ये सर्कल जो इसी के लिए बना हुआ है, यहाँ से बसेस जाएगी, ये बसेस यहाँ से इसी तरह आके यहाँ से इस साइड पे आ जाएगी, फिर ये देख ले ये इसका स्टेशन होगा, यहाँ पे सारे बसेस खड़े होंगे, देख ले ये जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सब कुछ, ये स्टॉप होगा बसेस का, जितना बसों में जितना भी काम होगा जितनी भी ये वो बस स्टेशन अभी बन रहा है कंप्लीट, काम तेज़ी से जारी है, ये देख ले ये देख ये उसका जो ऑफिस है ये बन रहे हैं। ये यहाँ से हम कोशिश करेंगे, पहले हम देख लेते हैं एक नजर, देख ले वही से हम जाएंगे, ये देख ले थोड़ा सा मैं देख ले रोजाना की बुनियाद पे काम होता है, इसी वजह से चीज़ें देख ले हम यहाँ से, ये फिर यहाँ से गाड़ी मोड़ के ऊपर जाएगी, ये देख ले सारी गाड़ियाँ इस तरह, ये फिर यहाँ से ये भी स्टेशन दे देंगे गाड़ियाँ सारी यहाँ से मोड़ के फिर इस साइड पे, तो देख ले यहीं से फिर गाड़ियाँ आगे जाएगी, क्योंकि ये चमकनी से स्टार्ट हुआ है तो फर्स्ट जो उसका बस स्टेशन है ये थोड़ा सा आगे भी आप देख लेंगे, ये भी लाइटिंग शाइटिंग और सारा काम इस पर हो रहा है, देख ले ये आपको नज़र आ रहा है यहीं से, फिर सामने जो है पहला बस स्टेशन नज़र आ रहा है, ये मकसद ये है कि आज आप देख ले कि जितना काम चमकनी से हमने स्टार्ट इसलिए किया कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो जहाँ तक मैं जा रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि आपको ये दिखाऊँ, ये देख ये बस स्टेशन है और ये तकरीबन मैं अगर मैं कहूँ कि 95% तो गलत नहीं होगा, 95% ये कंप्लीट हो गया है, ये देख ले अंदर का काम भी ये टाइल वाइल जो सब कुछ ये हो गया है,
और लेफ्ट कोई भी और जो सीढ़ियाँ है सब मुझे तो इंशाल्लाह जो हमारा पेशावर है, हम सब का पेशावर है, इंशाल्लाह इसकी जो खूबसूरती है ये तो है ही खूबसूरत, लेकिन इंशाल्लाह इससे इसकी खूबसूरत और भी बढ़ खूबसूरती बढ़ जाएगी इंशाल्लाह हम सब का। और ये जितना अगर पेशावर उसकी खूबसूरती बढ़ेगी, लाहौर की बढ़ेगी, इस्लामाबाद की बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली जो हमारा पाकिस्तान है तो उसी की खूबसूरती बढ़ेगी। ये अंडरग्राउंड है, जो अंडरग्राउंड ये मतलब हम कर रहे देख ले अब ये अभी हम दूसरे सर्विस स्टेशन जो सॉरी बस स्टेशन पे रेली से हो रही, क्योंकि ये दूसरा बस स्टेशन है देख ले, ये भी तकरीबन इस पे भी बहुत काम हो गया है, अब देख लेते हैं यहाँ पर भी काम जो दिया बड़ा काम हो गया है देख ले। यहाँ से आगे अगर हम जाए तो फिर मिक्स ट्रैफिक है यहाँ से, फिर जो रिंग रोड का पुल है यहाँ से अगर आपने कहीं ये मिक्स ट्रैफिक शुरू हो जाता है ये देख लें। फिर यहाँ से अब आप नोट कर ले कि यहाँ से फिर ये कनेक्ट होगा या लिंक होगा डायरेक्टली इसी मिक्स रोड से, क्योंकि यहाँ पे अभी ये बंद है तो मैंने टर्न चाहे तो ये अब हम ये टर्न मैंने ले लिया, तो यहाँ से यही से मैंने टर्न ली क्योंकि यहाँ रास्ता बंद था, तो ये यहाँ से ये मिक्स ट्रैफिक के लिए मतलब ये ठीक है, ये यहाँ से मिक्स ट्रैफिक होगा ये यहाँ से, तो फिर ये हम पुल पे चलते देख लें तकरीबन इस पुल पे ऑलमोस्ट मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ तक मिक्स ट्रैफिक होगा तो आपको नज़र आ रहा है जो कि नेक्स्ट स्टेशन है देखते हैं कि अब यहाँ से खुला हो तो अच्छा होगा। हाँ खुला है इंशाल्लाह, ये देख लें फिर यहाँ से दोबारा ये फिर दोबारा यहाँ से जो बीआरटी का मेन रोड है उस पे आ जाएगा बस। ये जो नेक्स्ट तीसरा बस स्टेशन है ये इस पे अभी तकरीबन मेरे हिसाब से 70% काम हो गया है देख ले आप खुद देख ले।
ये देखते हैं, आप ये देखते हैं, तकरीबन 7 ये तकरीबन काम आप देख सकते हैं कि तेजी से इस पर भी जारी है, काम हो रहा है। देख सकते हैं तो यहाँ से आगे हो जाएंगे, तो माशाल्लाह मोस्टली जो यहाँ पे जो ज़्यादातर काम है वो हो गया है, बस जो बस स्टेशन की रिनोवेशन है और उसमें थोड़ा बहुत काम है तो हो जाएगा इंशाल्लाह बहुत जल्दी, और आपको एक खूबसूरत BRT इंशाल्लाह मिलेगी। हाँ, जो लोग अभी इसके ख़िलाफ़ जो प्रोपेगंडे कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, तो उसमें कोई सदाकत नहीं है। हाँ, वो ठीक कह रहे हैं कि काम लेट हो गया है, इसमें कोई वो नहीं, गलत नहीं है कि काम, जो बंदा गलती करता है उसको मान भी लेते हैं, हाँ ये गलती हो गई है कि इतने टाइम कम दिया था और अभी इससे मतलब टाइम ज़्यादा ले लिया इसने, तो हो जाता है। ये साइड पे भी जो आगे बंद है थोड़ा सा, तो हम दूसरे साइड पे चले जाते हैं। देखो ये देख रहे आप, ये भी ये छोटा बस स्टेशन, इस पे भी काम बहुत तेजी से जारी है, देख रहे आप। फिर यहाँ से ये दूसरा अंडरग्राउंड होगा, 4 बस स्टेशन हो गए और ये दूसरा अंडरग्राउंड है, देख ले आप। ये देखो ये 5वां बस स्टेशन है, इसमें आप देख सकते हैं कि कितना काम तेजी से जारी है। अभी हमने RGKM को क्रॉस किया, RGKM का बस स्टेशन था, अब इससे आगे अगर हम जाएंगे तो ये अभी तकरीबन ये जंगले कुछ नहीं लगे, जिस वजह बंद कर दिया गया है, आज खुला खुला है। ये देखते आप, यहाँ से फिर ये बन रहा है, तो ये अभी आप देख ले, ये बड़ा स्टेशन होगा, अब हर 4 स्टेशन के बाद जो 5वां स्टेशन होगा वो बड़ा स्टेशन होगा, ये आप देख ले, ये बहुत बड़ा स्टेशन होगा, ये वहाँ से शुरू है, ये अभी 5वां स्टेशन है,
तो चार स्टेशन के बाद जो पांचवा स्टेशन होगा वो सबसे बड़ा स्टेशन होगा, इस पर भी तेज़ी से काम जारी है। और इसके ऊपर जो है फ्लाईओवर है, तो फ्लाईओवर के नीचे ये बस स्टेशन होगा। ये देख रहे हैं आप, तेज़ी से काम इस पर भी जारी है। फिर यहाँ से ये फ्लाईओवर होगा, यह भी हम तकरीबन पहुंच गए हैं नगरी, ऑलमोस्ट। ये है सॉरी, आप देख सकते हैं फ्लाईओवर, अब ये छठा सर्विस ये छठा बस स्टेशन है। ये देखते हैं आप, ये अमीन होटल के साथ ही छठा तो यहाँ से फिर बंद है, क्योंकि ये आप देख लेंगे। तो ये मैंने रिक्वेस्ट किए, तो रिक्वेस्ट पे उसने कहा कि चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये बंद है। सीनियर थैंक यू, बड़ी मेहरबानी यार, ने कहा कि यार अब अभी काम शुरू है दूसरे से, तो ये अब देख ले। तो ये आप देख ले, ये छठा बस स्टेशन है, अब देख ले। ये छठा बस स्टेशन है, अब जा रही है, देख ले अब। ये भी वो खोल देगा, मत ये खोल देगा। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी यार, थैंक यू। वो मेरे लिए वहाँ से आप दौड़ के आए और अभी इतने रास्ता खोल, तो मैं इसको थैंक्स ही कह सकता हूँ, क्योंकि ये भी फिर यहाँ से भी रोड खुला है अभी, तो ये देख ले आप। फिर यहाँ से फिर आगे जाएंगे हम, यहाँ से आगे फिर जो छठे बस स्टेशन के बाद दोबारा यहाँ पे अंडरग्राउंड है। तो इट्स मीन कि हर दो जो बस स्टेशन है उसके बाद एक अंडरग्राउंड है, और हर चार बस स्टेशन के बाद जो है वो जो बड़ा एक बस स्टेशन होगा। ये मेरे मुंह में बार बार सर्विस स्टेशन की गाड़ी को हर दो तीन चार दिन बाद हम सर्विस कराते हैं, तो सर्विस स्टेशन ही जाते हैं, इसी वजह से बस स्टेशन की जगह सर्विस स्टेशन ही निकलता है। ये देख ले, यहाँ से फिर अगर आप देख ले तो ये नेक्स्ट जो बस स्टेशन है आप देख ले, ये इस पर भी काम तेजी से जारी है, देख लेता हूँ, ये आप देख सकते हैं तेजी से काम जारी है। ये भी जब
हो जाएगा सारा बन, तो इंशाल्लाह इसकी क्वालिटी भी आ जाएगी। ये देख लें आप, तो यहाँ से भी इन्हें बनाया है कि आप किसी भी टर्न पर लाइसेंस ले सकते हैं गाड़ियाँ। तो ये हम फिरदौस पहुँच गए हैं, तो यहाँ से फिर मैं आपको अलविदा कहूँगा, क्योंकि फिर आगे इंशाल्लाह यही इसी फिरदौस से फिर आगे फिर इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ जिस तरह भी दिखा दूँगा। तो मेरे भाइयों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फैज़ान सैद ऑफिशियल। और जितने भी दोस्त अहबाब ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, मैं उसको बहुत ही थैंक्स कहूँगा कि थैंक यू सो मच। और कमेंट ज़रूर करें, जो खामियाँ हों उसके लिए भी करें, जो अच्छाई हो उसको अप्रिशिएट भी करें। और इंशाल्लाह आपके साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।